सांसद राम स्वरूप शर्मा का कहना है कि भाजपा से टिकट के सभी दावेदार मिलकर साथ चलेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। यह बात सांसद राम स्वरूप शर्मा ने मंडी में मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में कही। सांसद राम स्वरूप शर्मा भाजपा का टिकट लेकर मंडी पहुंचे। सेरी मंच पर राम स्वरूप शर्मा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हार पहनाकर और पटाखे फोड़कर राम स्वरूप शर्मा और पार्टी के पक्ष में जोरदार नारेबाजी की गई। इस मौके पर राम स्वरूप शर्मा ने टिकट के लिए पार्टी हाई कमांड का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने फिर से उन पर जो विश्वास जताया है वह उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। राम स्वरूप शर्मा से जब टिकट के बाकी दावेदारों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी दावेदारों से दूरभाष पर बात कर ली गई है और जल्द ही वह सभी के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी दावेदार थे उन सभी के साथ उन्होंने काम किया है और सभी अब एकजुट होकर काम करने का आश्वासन उन्हें दे चुके हैं। राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस चाहे जिसे भी मैदान में उतारे, भाजपा संगठन डटकर मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि आज देश में एक सक्षम नेतृत्व के लिए माहौल बना है और ऐसे में पूरा देश नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि मंडी से सभी विपक्षी प्रत्याशियों को हराकर ऐतिहासिक जीत के साथ यह सीट पार्टी की झोली में डाली जाएगी। पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का और अपने प्रांत के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और अपने वरिष्ठ नेता आदरणीय शांता कुमार जी, प्रेमका धूमल जी, सम्माननीय जगपाल नड्डा जी, सतपाल सत्ती जी, तमाम अपने प्रदेश के नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मुझे सौभाग्य दिया कि पुनः एक बार मंडी का नेतृत्व करूं, जनता के बीच जाऊं। तो मैं पहले तो सबका धन्यवाद करता हूं। जो लोग दावेदार थे उन सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं, बिल्कुल लगातार वर्षों में उनके साथ काम किया, मेरे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मेरी दूरभाष से बात हुई है, चाहे वो अनिल शर्मा हमारे वरिष्ठ मंत्री के रूप में हो, माननीय महेश्वर सिंह जी हैं, माननीय ब्रिगेडियर साहब हैं, तो तमाम सभी प्रमुख नेताओं से मैंने दूरभाष से बात की है और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में वो आशीर्वाद सबका मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा नेतृत्व चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। आज प्रश्न राम स्वरूप का नहीं है, आज प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, हाँ तो राष्ट्र के सामने एक 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 जो एक लक्ष्य है कि इस देश का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करें और देश पुनः सोने की चिड़िया बने, चंद्रगुप्त मौर्य की भांति, हमारे महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी की तरह ये देश आगे बढ़े, उसका सारा दायित्व का निर्वाह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और मुझे विश्वास है तमाम नेताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मुझे मिला है।